ये तो नाम तो बता दे। आई एम चिराग फ्रॉम दिल्ली। और बस 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 भाई और क्या बताओ। बस इसके आगे यहाँ पे ना चिराग की इंग्लिश खत्म हो जाती है। तो इतना इंट्रो काफी है इसके लिए। अभी फिलहाल हम लोग निकले हैं रोल वोल खाने के लिए। एक यहाँ पे पास में ना बंदा है, वो रोल बनाता है काफी अच्छे। साले पहले ही बंद कर देते या अंधेरे में वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो फिलहाल अभी वो रोल खाने के लिए जा रहे हैं, काफी अच्छे रोल बनाता है वो, दिखाऊंगा मैं आपको अभी आगे। और फिर हम वहाँ से जाएंगे बारह खंबा रोड मैगी खाने। सो सी यू गाइस चिल्ड्रन। करकड़ुमा के पास और मैं दिखाता हूँ अभी करकड़ुमा के पास में हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं ये साले कोई गाड़ी वाड़ी चलानी तो आती। अबे भाई आसपास वालों को डराता है। हम पहुंच जाएंगे हार्डली आई गेस 10-15 मिनट्स का रास्ता पहुंच जाएंगे। आई होप ट्रैफिक ना मिले रास्ते में। और देखते हैं तो थोड़ा कंसर्न है, उसका डर लग रहा है। डरता है अपनी गर्लफ्रेंड से, बताओ क्या फायदा। डर तो बढ़ता है थोड़ी देर में मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ गाइस। ठीक है बैंक हो गया यहाँ पे मेरा और चिराग का। चिराग कह रहा है मस्टैंग आनी बंद हो गई, मस्टैंग की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है। ऑल्दो आई एम अवेयर कि फॉर्ड ने मैन्युफैक्चरिंग बंद करी है रिसेंटली। इंडिया में काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है डिसकंटिन्यू कर दी हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि मस्टैंग की हुई है नहीं। सो फिलहाल बता रहे हुई है भाई, क्यों हुई है, कोई हमने करवाई है, मैं कब हुई है, हमने करवाई क्योंकि हम सोच रहे थे भाई हम खरीदे पर हमारे पास पैसे नहीं, चलो बंद ही करवा बंद ही करवा दी भाई। सो चिराग के पास पैसे नहीं थे, चिराग ने मस्टैंग की मैन्युफैक्चरिंग बंद करा दी इंडिया में। अगर आपको पता है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन की मस्टैंग की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है या फिर बंद हो गई है। और अगर अभी भी चल रही है तो प्लीज कोई गिफ्ट कर दो हमें। एक ही कर दो आधी कर दो आधी कर दो आधी आधी मस्टैंग आधी कर दो ऊपर से छत काट गए। अभी हम लोग पहुंच गए हैं प्रीत विहार। लोकेशन रिवील नहीं करनी थी। यहाँ से हमें जाना है, यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है और फिर हम पहुँच जाएंगे अपने रास्तों के पास, अपनी लोकेशन के पास पहुँच जाएंगे जहाँ हमें पहुँचना है। एक तो यहाँ पे पता है इस रोड पर मिलता है, जब भी आओ या तो रेड लाइट का जाम होता है, नॉर्मल चूतियों वाला जाम होता है, पर जाम होता है। तो है शक्ल तो दिखा दे अपनी खूबसूरत सी, वो ये देख लो उसके बाद देख लो डर जाओगे। और अब हम फिलहाल पहुंच गए हैं चिराग की गर्लफ्रेंड के घर के पास। एंड एड्रेस भी बता दे, घर बता दे। नहीं घर मैं लोकेशन नहीं बता रहा कहां पर है, बट सीधा ही नहीं बता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। ऑल्दो चिराग बता क्या बता क्या था अपनी गर्लफ्रेंड को, कहां जा रहा हूं, कहां पर हूं मैं, रोल खाने जा रहा हूं, रोल खाने जा रहा हूं, बोल कर आया मैं जिम में हूं और जिम में डाइट लेने जा रहा हूं। यहां पे एक पॉसिबिलिटी है कि अगर उसको स्पॉट कर लेती है तो उसका जय माता दी हो सकता है, जय श्री राम हो सकता है, जय श्री राम हो सकता है, जय श्री राम हो जाएगा फिर इसके रिलेशनशिप का। और चिराग को क्या है जिसका बताइए, लड़कियां पड़ी हुई हैं और कोई हमारी फीमेल व्यूअर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट दिस गाय। यहाँ से लोग ये बता दे, यहाँ से नहीं सीधे 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 चलना है। सारी स्कीम बता दो, सारी स्कीम देखो क्या स्कीम बता, स्कीम अरे इसकी स्कीम चाहिए हो तो मुझे बताना, रेट्स मैम मैसेज कर दूँ, सारे रेट्स हैं इसके मेरे पास।
वी आर अबाउट टू रीच, हम बस पहुंच गए हैं, थोड़ा सा आ गई है और उसके बाद हम यहाँ से रोल खा के आगे जाएंगे बारहकम्बा रोड। यहाँ के रोल काफ़ी सही हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर है वो शॉप, जो है प्रीत विहार और मयूर विहार के बीच में पड़ती है। और ये लोकेशन जो है एग्जैक्ट मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप अगर आना चाहो यहाँ पर तो आ सकते हो, पेड परमिशन है। और रियल इनके रोल काफ़ी अफोर्डेबल हैं और काफ़ी अच्छे हैं, बाकी अभी वहाँ चल के देखते हैं। ठीक है, वहाँ पे चल के फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, क्या मेन्यू है उनका और क्या चीज़ें हैं। और लेट्स सी, इज वी हैव ब्रीज हियर, जो शॉप है वहाँ सामने वहाँ पर राइट साइड पे। अभी हम गाड़ी पार्क करेंगे, यूटर्न लेके पार्क करनी पड़ेगी, आगे से यूटर्न लेके हम गाड़ी पार्क करेंगे और फिर हम चलते हैं रोल खाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है बट वो काफ़ी अच्छे रोल बनाते हैं और मुझे काफ़ी पसंद है, मैं जितनी बार भी यहाँ पे आता हूँ उनके रोल ज़रूर खाता हूँ। ये राइट साइड पे आपको एक शॉप दिख रही होगी, यहाँ पे एक रोल की, ब्रेक एंड रोल्स। अभी हमें यहीं पे आना है, आगे से हम यू टर्न लेके आते हैं। ये रहा यू टर्न, अब देखना इसकी ड्राइविंग स्किल्स, जिसके पास लाइसेंस नहीं है भाई, पांच लाइसेंस है साले, आधार कार्ड में तो 17 साल उम्र लिखी हुई है, लाइसेंस 5-5 है। और डिपे मार के लड़कियां छेड़ने की कोशिश, बदतमीज, क्रीप, ऐसी हरकतें हैं, अपने बच्चों का भी मत सिखाना। एंड वी हैव रीच गाइस, दिस इज द पॉइंट, ब्रेक एंड रोल्स। पार्किंग की जगह देख ले, बिल्कुल सामने मत लगा, जाम लग जाएगा वरना। यहीं पे आना था, ब्रेक एंड रोल्स। गाड़ी तो बैठे हैं, पूछ ले सब जगह पर। अब्दुल्ला भी हमारे साथ हैं जिनकी ये शॉप है ब्रेक एंड रोल्स, और काफ़ी अच्छे रोल हैं यहाँ के, तो भी आप थोड़ा बताएंगे ज़रा अपनी शॉप के बारे में। सो बेसिकली हमारा ब्रेक एंड रोल्स के नाम से आउटलेट है एंड इट्स इन ईस्ट दिल्ली पांडव नगर। सो नॉर्मली हम सर्व करते हैं वेज एंड नॉन वेज रोल, एंड हमारे हॉट सेलिंग रोल हैं बटर चिकन रोल, चिकन मलाई टिक्का, चिकन तंदूरी चीज़ रोल। एंड देन वेज में अगर आपको ट्राई करना है तो पनीर मखनी रोल है, एंड पनीर टिक्का भी चीज़ है, चीज़ी बारबेक्यू पनीर रोल है, एंड काफ़ी वैराइटीज़ हैं। एंड बेसिकली जो हमारा आउटलेट है वो यूथ के लिए है, तो रोल्स आज हम स्पेसिफिक रोल्स में डील करते हैं। दैट्स इट फॉर माय साइड, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। और पर्सनली मैं भैया के पास ऑलमोस्ट डेली आता रहता हूँ, काफ़ी अच्छे रोल हैं, यू गाइस मस्ट कम एंड ट्राई। और बाकी थोड़ा मेन्यू वगैरह मैं शेयर कर दूंगा, मैं लोकेशन शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज़रूर आएँ ट्राई करें, बहुत अच्छे रोल्स हैं भैया के, तो थैंक यू वेरी मच। होता फाइनली हमारे रोल्स आ गए हैं और हम चल रहे हैं खाते हुए घर की तरफ। गाइस हमारे रोल्स आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे रोल हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आई एम सो क्यूट ये कहाँ से आ गया, आई एम सो क्यूट। और ये देखो ये गंदे मैनर्स वाले बच्चे, बैड मैनर्स, खाने से पहले फ़ोटो खींच रहे हैं। बट गाइस ऑनेस्टली रोल बहुत अच्छे हैं, आई मस्ट रिकमेंड कि भाई आप लोग आओ यहाँ पे, मैं लोकेशन मेंशन कर दूंगा, आप लोग आना ज़रूर, खाना बहुत अच्छा रोल्स है ऑनेस्टली। ये एक रोल ना इनफ है ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक रोल इनफ है, आपका पेट भर जाएगा। और सही मैम बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत असम टेस्ट है सही मैम। ये तंदूरी टिक्का शायद चिकन मैंने रोल लिया, मैं भूल भी गया ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैंने कौन सा रोल लिया, बट आई गेस तंदूरी टिक्का रोल है बिकॉज मैं इनका तंदूरी टिक्का खाना बहुत पसंद करता हूँ विद चीज़ एंड डबल एग, बहुत ही अच्छा टेस्ट है गाइस। मैं ज़रा चांस है खाने दो आप लोग भी, और ये तो शायद जब तक सबको स्नैप वगैरह भेजेगा तब तक रोल ठंडा हो जाएगा, तो इससे रिव्यू तो मिलने वाला नहीं है। चिराग बताओ कैसा है? ये तो बहुत अच्छा शॉट है क्या? वाओ, इट्स सो अमेजिंग ब्रो। ये देखो ऐसे देते हैं फेक रिव्यूज, बट ऑनेस्टली गाइस ये फेक रिव्यू नहीं था, बट गाइस रोल बहुत अच्छा है। और अभी हम रोल खाते हुए निकलने वाले हैं बारहकम्बा रोड के लिए, बारहकम्बा रोड पे मिलती है मैगी, हम लोग मैगी खाएंगे और हम आपको मैगी का रिव्यू भी देंगे। सो अंटिल देन सी या गाइस, और मुझे चैन से रोल खाना था प्लीज। रोल खा लिया गाइस, पेट भर चुका है बिल्कुल, और मुझे लगता है मैगी की जगह बची है, तो मैगी भी काफ़ी हैवी हो जाती है चीज़ मैगी, बट स्टिल वी आर ऑन अ वे टू बारहकम्बा रोड। बट स्टिल ही इज बुकड़े, तो जानवर आदमी है पता, इतना खा लेता है ना, कुछ कर लेते हैं जानवर आदमी, इतना खा लेता है ना एक दिन में, मम्मी परेशान है इससे कितना खाता है। तो मैंने भी ज़्यादा खा लिया है, पेट बिल्कुल भरा हुआ है और मुझे लगता है मैगी खा पाएंगे, बट स्टिल जा रहे हैं देखते हैं, मैगी तो खाएंगे यार।
निकले तो खाए बिना थोड़े ना लौटेंगे, गंदे गंदे टिप्पर मारता रहेगा लड़के छेड़ने के लिए, टिप्पर लगवाए इसी गाड़ी से आंख मारता है साला। मौसम काफी अच्छा है, पता नहीं चलता गाड़ी में ऑनेस्टली। बंद करो एसी, एसी में बंद करो, लाइट बंद करो, गाने वाने बजाओ, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे गाइस 12 कंबल रोड पे। वहां पे अपडेट करता हूं आपको, कॉपीराइट आ जाएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, डोंट वरी। मैं कॉपीराइट का क्या सीन है, देखो मैं फर्स्ट ब्लॉग, मेरा ये समझ लो फर्स्ट ब्लॉग ही एक तरीके से, तो मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, हो सकता है बहुत गलतियां होंगी इसमें और हो सकता है ना भी हों, तो जो भी है आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपको अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी है। वैसे अभी ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं देखो ये बकचोदी कर रहा हूँ, ओके मैं इसको कट करने वाला हूँ, इसको कट करने वाला हूँ मैं, ठीक है ये कट करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो देखते हैं गाइस पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, हम आईटीओ के पास पहुँच गए हैं, पास में है 12 खंबा रोड, यहाँ से फिर आपको अपडेट करूँगा। आईटीओ की बिल्डिंग दिखेंगे यहाँ से, थोड़ा दूर है बट पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। गाइस हम लोग आ गए हैं सीपी, यहाँ पे पास में है 12 खंबा रोड, नेचुरल्स में आइसक्रीम खाएंगे। कहाँ पे आइसक्रीम खिला रहा है, आइसक्रीम खिला रहा है चिरागों में किसी देख लो सरदार जी, हमें जाना स्टेट्समैन हाउस 12 खंबा रोड, आउटर सर्कल से ही ले लेता। ये देख मोटी गांड को, यूनाइटेड कॉफी हाउस भी काफी अच्छा है, मैं गया था यूनाइटेड कॉफी हाउस डीएलएफ वाले, इनका भी एम्बियंस काफ़ी अच्छा है फोटो वोटो क्लिक कराने के लिए। सीधे चलता रहा, नाइकी का शोरूम आएगा, नाइकी के शोरूम के आगे वाली रोड है, अरे वो रिबिल्डिंग है ना सामने गाइस, वहाँ पे आपको गोपाल दास बिल्डिंग दिख रही होगी, बस उसके पीछे ही है, नीचे है मैगी वाला, उस बिल्डिंग के नीचे जाना है हमें, उसके सामने आपको बिल्डिंग दिख रही होगी दैट इज स्टेट्समैन हाउस, और इस बिल्डिंग के नीचे है मैगी वाला, आगे से आगे वाली गली है भाई। हम फिर से नहीं आ गए क्या घूम के फर्जी कैफे और यूनाइटेड, ये देखो जरा आपको दादा सारी गाड़ी के आगे आ जाते हैं, सीधे ले ले बस पहुंच गए हैं, इस बिल्डिंग के नीचे पार्क करियो, इसके नीचे ये बिल्डिंग है। देखो अगर कभी किसी का चलान हो रहा हो, कभी किसी को पुलिस पकड़ ले तो गाइस मुझे बिल्कुल कॉन्टेक्ट मत करना, नहीं तो इस लड़के को जरूर कॉन्टेक्ट करना, ऐसे ही मुझे बोलता है, तो वही मैं सेम चीज आपको बोल रहा हूँ, इधर इधर साला रॉन्ग साइड ले रहा था इसे कुछ बता तो लूए, यहाँ से लेफ्ट ले रहा है मैं, आशिकी खत्म नहीं हो रही लोग, आशिकी खत्म नहीं हो रही, हमें मिलती थी आशिकी, यहीं से लेफ्ट, यहीं से लेफ्ट, यहीं से लेफ्ट, यहीं से लेफ्ट, बस यहाँ सामने ही मैगी पॉइंट है जहाँ से मैगी लेते हैं, बस दिस इज द मैगी पॉइंट भाई, दिस इज मैगी पॉइंट, यस यस मैगी बनाते हैं भाई, वेट गाइस मैं जा रहा हूँ मैगी ऑर्डर करने, और उसके से मिलता हूँ 12 खंबा रोड मैगी पॉइंट, मैगी खाने के बाद आपसे बात करते हैं भाई। फॉर्चुनेटली शॉप्स क्लोज हो गई हैं और हमें मैगी मिल नहीं पाई, हम जा रहे हैं दूसरी साइड रोड की, वहाँ पे भी कुछ शॉप्स हैं, ऑल दो मैंने कभी उनकी मैगी ट्राई नहीं करी है, बट देखते हैं अगर वहाँ मिल जाए तो, बिकॉज अब इतनी दूर आए हैं तो मैगी खाए बिना तो जाएंगे नहीं, बट ऑनेस्टली यहाँ पे मैगी काफ़ी अच्छी मिलती है, आप आओगे तो ज़रूर ट्राई करना, मैं पर्सनली इन स्टोर से ही लेता हूँ इसी साइड पर गोपाल दास बिल्डिंग के जस्ट नीचे, और अभी यहाँ पे मिली नहीं है तो हम जा रहे हैं पीछे की साइड, देखते हैं अगर हमें वहाँ मिल जाए तो। चला ले भाई बंदी से बाद में बात कर लियो, ये देखो ये लोग होते हैं जो एक्सीडेंट करते हैं, एक हाथ में फोन है एक हाथ गाड़ी पे, सामने देख भी नहीं रहा चूतिया, डोले भाई डोले बोले सब धरे रह जाएगी, कैसे चला रहा है भाई, जल्दी ले ले सामने उस तरफ जाना है रोड के, बीच में से सीधे निकाल तेरे भाई, गाड़ी का बंपर चला जाएगा आगे से भाई, लंबी रेड लाइट है वैसे यूटर्न लेके आना पड़ेगा। Excuse me, miss.
सामने उस वाले स्टोर के पास रोकियो, यहीं से पूछ लियो, आवाज कम कर, यहाँ मिल जाएगी मैगी आई गेस। पूछ ले फटाफट, पूछ ले यार मैगी मिल जाए तो मिल जाएगी। चीज मैगी कर देना भैया, दो खरीदी। और अभी मैं यही डिस्कस कर रहा था चिराग से, एक्चुअली फर्स्ट टाइम स्टिंग जब आई थी इंडिया में मैंने चिराग के साथ ही पी थी, जब नई नई रिलीज हुई थी इंडिया में। तो चिराग तो कुछ बता रहा था मुझे, चिराग को लग रहा था, चिराग को लग रहा था कि स्टिंग ना रेड वाइन होती है। चिराग ने रेड वाइन समझ के पी थी उस टाइम पे, नशा हो गया नशा। चल ये अब देखो झूठ बोल रहा है यहाँ पे, बट ऑल दो स्टिंग सही में काफी अच्छी है, गरीबों की रेड बुल है ये। तो स्टिंग पी के देखते हैं, रेड वाइन भी है। गरीबों की रेड वाइन, चिराग की रेड वाइन। और हमारी मैगी बन रही है यार, अभी देखते हैं कितना टाइम लगाएंगे यार ये मैगी बनाने में। शेक वेक मैगी वैगी सब मिलती है, देखो हाथ से छिंगे पी रहा साला, देखो हाथ से छिंगे। सही परेशान है तेरी मम्मी तुझसे, हमारी चीज मैगी आ चुकी है गाइस, काफी सेक्सी लग रही है। साले अपना गंदा सा फोन साइड कर, काफ़ी सेक्सी लग रही है और मैं इसको खाने वाला हूँ जल्दी। और बहुत है हमारा आज का खाना, बिकॉज रोल खा चुके हैं हम ऑलरेडी, उसका इतनी हैवी सी मैगी जो भी मैं अपने ऊपर गिरा लेता, घर जाके खाना भी खाना पड़ेगा, बिकॉज मैं दो दिन से यार डांट पड़ रही है घर पे। मैं काफ़ी दिन से बाहर का ही खा रहा हूँ, रात को डिनर जो है बाहर ही कर रहा था बंदी के साथ। मेरी बंदी के साथ नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैगी खा के बता कैसी है पहले, उसके बाद फिर मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। चल एक हैवी बाइट ले, क्या खा रहा है? बढ़िया बढ़िया तो बोलेगा ही ब्लॉग में, तो शक्ल बढ़िया, शक्ल बना रहा है, शक्ल नंबर। चलो गाइस मैं मैगी खा लेता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ ब्लॉग। बूम रैम क्या बना था? बूम रैम क्या बना था? बूम रैम क्या? बूम रैम, बूम रैम जो भी है बना, बूम रैम बना लो मैं जरा चिराग का गाइस। चलो चिराग का गाइस, तो मैगी खा ली हमने। ऑनेस्टली बता रहा हूँ इनकी मैगी इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे जहाँ से खानी थी मैं जहाँ से खाता हूँ उनकी मैगी बेस्ट है, बहुत अच्छी मैगी बनाते हैं। बाकी जगह पे नॉर्मल सी मिलती है मैगी, ये वाली मैगी भी बिल्कुल नॉर्मल ही थी। और अभी भी काफ़ी रह गई है फिनिश करने को, मेरा मन सा तो नहीं कर रहा खाने का, बट खा लूँगा इसे। बुक्कड़ हम थोड़ा, हाँ बुक्कड़ हम खा लेते हैं। मीन वाइल अभी क्या हुआ था, चिराग के पापा का फ़ोन आया था और चिराग झूठ बोल के घर से निकला हुआ है। और चिराग को पापा ने बोला कि मैंने तेरे से जन्म नहीं लिया, तूने मेरे से जन्म लिया है। तो देखते हैं शायद चिराग की ठुकाई होने वाली है घर पहुंच के। हाँ नहीं होगी, नहीं होगी भाई, नहीं होगी भाई। चलो अच्छी बात है, हार्डली 20-30 मिनट्स में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। और काफ़ी अच्छी सी आउटिंग हो गई, काफ़ी अच्छा मौसम है, बाहर विंडोज डाउन कर रखी है, यू गाइस कैन सी विंडोज डाउन कर रखी हैं हमने, सब सही चल रहा है भाई। सीधे 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 आराम से आराम। क्या मौसम है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यार ऐसे वेदर में घूमने में, ऑनेस्टली काफ़ी मज़ा आता है। थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे और बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा ब्लॉग रहा, मैंने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी ब्लॉग बनाने के बारे में बेसिकली। तो पहला ब्लॉग था, काफ़ी सारी गलतियाँ रही होंगी, होपफुली अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ठीक करूँगा गाइस। और तब तक के लिए बाय बाय, सिया, हैव अ गुड डे, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में जल्दी।